क्लास 6 का फोर्थ चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के मटेरियल्स को हम किस तरह से अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, हम इसमें बांटना सीखेंगे। हमारे आस पास बहुत तरह के मटीरियल्स होते हैं, मटीरियल मतलब पदार्थ। ठीक है, तो उन मटेरियल्स को हमें अलग अलग बांटना होता है। ठीक है ना, हम जैसे हमें कुछ यूज करना है, कुछ इस्तेमाल करना है, तो हम ऐसा नहीं कि कहीं भी हाथ डाल के कुछ भी उठा लेंगे। ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज इधर मिलेगी, ये चीज इधर मिलेगी, तो हम कुछ सोच के जाते हैं कि हम इस चीज को उठाने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसके आधार पर हम इन चीजों को बांटेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम अलग अलग ये क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि बंटवारा करते हैं। तो उन फैक्टर्स को धीरे धीरे इसमें हमें क्या करना है, चीजों को ग्रुप करना है, अलग अलग बांटना है। ठीक है, और कैसे बांटना है, हमारे पास एक बेसिस होना चाहिए, हमारे पास एक आधार होना चाहिए, आधार कार्ड में आधार। ठीक है, बेसिस। और वो बेसिस क्या होता है, मतलब वो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज या ऐसे कुछ सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज, यानी कि समानताएं और असमानताएं। ठीक है, जिसके आधार पर हम अलग अलग चीजों को बांटते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है, इनको ध्यान में रखकर, इनको ध्यान में रखकर हम चीजों को अलग अलग बांटेंगे। ठीक है, बांट के फिर उनका अलग अलग एक इकट्ठा ग्रुप बना देंगे। ठीक, तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को हमें ध्यान रखना है, यानी कि जो चीजें हमने अलग की हैं उनमें क्या समानताएं हैं, और समानताएं किससे जन्म लेती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज से। तो मैं उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है जिसको हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो जैसे इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें हार्डनेस। तीसरी प्रॉपर्टी है इसमें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें आपकी बुक में दे रखी है रोटेशन और सिंकिंग। ठीक है, रोटेशन और सिंकिंग अभी मैं बताऊंगा, इन सबको डिफाइन करूंगा क्या क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, और बहुत सारी हैं। ठीक है, आज हम आज के लेक्चर में हम इन पांच प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ये किसी पदार्थ की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, किसी पदार्थ के गुण हैं, और ये किस वजह से उसके अंदर है, मतलब उस मटेरियल में क्यों है, ये अलग चर्चा का विषय है। ठीक है, उस मटेरियल में है और बाकी मटेरियल में नहीं है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम उस मटेरियल को बाकी जो हमें दिए हुए मटेरियल्स उनसे अलग करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है वो दिखता कैसा है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब तो उसकी शक्ल तो होगी नहीं कोई ऑब्जेक्ट की, लेकिन हाँ ये देख लेंगे क्या वो चमकदार है ऑब्जेक्ट या डल सा है। चमकदार का मतलब बहुत शाइनी है या और डल है। दूसरा है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कितना सख्त है जो ऑब्जेक्ट हम अलग कर रहे हैं बाकी ऑब्जेक्ट से, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, यानी सख्त है या नरम है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जिस चीज को हम अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उसको हम किस आधार पर अलग कर रहे हैं, वो पानी में घुल सकता है या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है घुलनशीलता, ठीक है ना, इन वाटर, वाटर मतलब पानी। तो जैसे हमारे पास कई सारे चूरे हैं, ठीक है, चूरे जैसे एक लकड़ी का बुरादा, एक चौक, चीनी, नमक, तो इनको हमें अलग अलग करना है। अब इसको इसके अपीयरेंस के आधार पर तो अलग कर नहीं सकते कि इनकी शक्ल देख कर अलग कर दोगे। दूसरा हार्डनेस, कोई चूरा तो हार्ड ज्यादा होता नहीं है। तो हम हमारे पास अगली प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबिलिटी। हम ये देखेंगे कि ये जो चार पाउडर हमें दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से पाउडर पानी में घुल सकते हैं। ठीक है ना, हमें देखना है, हमें अलग करना है, तो अलग करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ेगी। तो इनमें से बहुत सारी उनकी उसी उस मटेरियल की देखो उसमें क्या है ऐसा जो बाकी में नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ उस मटेरियल में ऐसा होगा जो उसे बाकी से अलग करता होगा, तो उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, फोर्थ है फ्लोटेशन और सिंकिंग। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो पानी पे तैरती है और कुछ चीज ऐसी होती है जो पानी के अंदर डूब जाती है, तो हम उसके आधार पर भी चीजों का अलग अलग कर सकते हैं।
अगला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ होता है पारदर्शिता। पारदर्शिता का देखो, पार का मतलब आर पार, ठीक है ना, दर्शिता का मतलब देखना। तो यदि ऐसी कोई चीज है आपके पास जिसके आप आर पार देख सकते हैं और बाकी ऐसी भी चीजें जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, तो उन चीजों को आप इस आधार पर अलग कर सकते हैं, यानी कि उसका गुण है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी किसी मटेरियल का गुण है, प्रॉपर्टी है। तो आपको देखना है कि उस मटेरियल में ऐसा क्या है जो बाकी में नहीं है, इस आधार पर आप उन्हें बांटेंगे। तो ये देखते हैं चारों मासों के एक एक करके और कुछ मटेरियल्स को इसके आधार पर अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे सामने कई सारे मटेरियल्स देख सकते हैं, ये पानी का गिलास रखा हुआ है, ये गून है, ये सिरिंज है प्लास्टिक की, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं मेरे पास। इनको सबसे पहले हमें अपीयरेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना है इनका। अपीयरेंस मतलब ये शाइनी है, शाइनी मतलब लश्करस, ठीक है ना, लश्करस का मतलब है जिसमें लश्कर हो, एक चमक हो। तो सबसे पहले ये जो आपको अपने टेबल पर ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले आपको चमक यानी कि लश्कर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना है इनका। तो ये देखते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट चमकीले हैं। तो चमक कैसे देखेंगे, आप देखिए कि क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या उनसे लाइट चमक के आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो कटोरी है मेटल की, इसमें ये लाइट को काफी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये इसीलिए चमकदार है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखो ये एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, जिसे आप टिफिन के अंदर लगाते हैं, तो देखो ये भी काफी शाइनी यानी चमकदार है, तो इसको हम अलग रख देते हैं। ये एक आइसक्रीम स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक में कोई भी विशेष चमक नहीं होती, इसको हम आगे रख देते हैं। ये एक मोजे का पीस है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई खास चमक नहीं है, तो इसको भी आगे रख देते हैं। ये एक फोम है, फोम में कोई चमक नहीं होती। ये एक प्लास्टिक की डंडी है, इसमें भी कोई चमक नहीं है, ठीक है। फिर ये कुछ एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े हैं, इसके हम साइड में रख देते हैं क्योंकि इनमें चमक है। ये आगे ये जो डिब्बा है पट्टे का, इसमें भी कोई चमक नहीं है, इसलिए इसको भी आगे रखेंगे। आगे आप देखिए कि ये जो ग्लास की स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड में काफी चमक है, तो चमकदार चीज को हम साइड में रखेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं ये जो सिरिंज है, सिरिंज भी थोड़ी चमकदार है, ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ी साइड में रखेंगे। ये जो पानी का ग्लास है, ये भी लाइट को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको भी हम साइड में रख सकते हैं। ये कोयले का टुकड़ा है, कोयले का टुकड़ा क्योंकि चमकदार नहीं होता, नॉन मेटल है, अधातु है, इसलिए हम इसे आगे रखते रहे। ये वूल भी, ऊन भी, ऊन में कोई चमक नहीं होती। ये लोहे का जंग लगा हुआ, लोहे की कील, इसे भी हम आगे रखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेटल की एक क्लिप सी है, ये थोड़ी चमकदार है, इसे हम साइड में रखेंगे। और आइसक्रीम स्टिक को तो हम पहले साइड में रख चुके हैं। इस तरह से हम चमक के आधार पर चीजों को अलग अलग मार सकते हैं। आइए हम दूसरे क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो मैंने बताया था आप चीजों को दबाकर देखिए, यदि वो चीजें दब जाती हैं आसानी से तो इसका मतलब वो सॉफ्ट है, यदि नहीं दबती है तो उसका मतलब वो हार्ड है। तो ये सारी चीजें आपके सामने मेरे टेबल पर, इनको अलग अलग करेंगे हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पर। तो ये एक वुडन स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक, इसे हम दबाने की कोशिश करते हैं, कहीं दब जाती है तो टूट जाएगी लेकिन ये दबेगी नहीं, ठीक है। तो ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, इसे हम साइड में रखेंगे। ये कोयले का टुकड़ा है, इसे दबाने की कोशिश करते हैं तो ये काफी हार्ड है, दब नहीं रहा, इसलिए साइड में रखेंगे। ये एक मोजा है, तो मोजे को यदि हम दबाएंगे तो आसानी से ये दब जाता है, तो ये सॉफ्ट है, इसे हम इधर रखेंगे। ये फोम है, फोम को आप दबा सकते हैं, तो ये फोम को हम साइड में रखेंगे। ये ऊन का टुकड़ा है, ऊन को टुकड़े को आप दबा सकते हैं आसानी से, तो ये भी हम साइड में रखेंगे। ये मेटल की कटोरी है, ये भी हम इसे दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं, ये काफी हार्ड है, तो इसे हम लेफ्ट में रखेंगे। ये प्लास्टिक की रॉड भी काफी हार्ड है, ये नहीं दबेगी। सिरिंज क्योंकि प्लास्टिक की बनी है इसलिए काफी हार्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मोमबत्ती ऑफ कोर्स, ठीक है, मोमबत्ती भी हार्ड है तो इसलिए नहीं दबेगी। लेकिन क्या मोमबत्ती जो है ये हमेशा नहीं दबती, हम ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम मोमबत्ती को दबा सकते हैं, या मोमबत्ती कभी सॉफ्ट नहीं हो जाती है? तो मोमबत्ती कब सॉफ्ट हो जाती है और कब हार्ड होती है, ये आपको सोच के बताना है।
तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे जिन्हें आप अलग अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब चीजों को घर पर करके देखिए और इसका आनंद लीजिए, और इससे संबंधित कोई आपको डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम बांटेंगे और किस आधार पर बांटेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनके हार्डनेस के आधार पर बांटा था कि कौन सी ऑब्जेक्ट हार्डनेस में और कौन सी सॉफ्ट है। इसी इन्हीं सब ऑब्जेक्ट्स को हम बांटेंगे, लेकिन अब हमारे पास बेसिस अलग रहेगा। अब हमारे पास क्राइटेरिया अलग रहेगा बांटने का, और वो क्राइटेरिया रहेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पानी में तैर सकते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब सकते हैं। तो जो डूब सकते हैं हम अलग रख देंगे, और जो तैर जाते हैं उन्हें हम अलग रख देंगे। तो धीरे धीरे टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये चौक का टुकड़ा है, उसे सबसे पहले ऐसे इसमें डुबोते हैं। तो ये क्योंकि डूब गया, तो ये चौक का टुकड़ा एक अलग कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसे हम निकालते हैं और अलग रखते हैं। ठीक है, अब ये मोमबत्ती है। ठीक है ना, देखो इन दोनों का वजन लगभग सेम है। ये मोमबत्ती का टुकड़ा है और ये चौक है, इन दोनों का वजन लगभग सेम है। अब मैं इसको इसके ऊपर करता हूँ। तो देखो मोमबत्ती का टुकड़ा तैर रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि चौक का टुकड़ा जो है वो डूब गया और मोमबत्ती का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि दोनों का वजन सेम है, समान वजन वाले हैं, ऐसा क्यों होगा? इसके बारे में आपको सोचना है। फिलहाल हम इसको अलग रख दे रहे हैं। ये एल्यूमिनियम फॉइल है कुछ, तो इसको हम डुबोते हैं इसमें। तो ये तैर रहा है, तो तैरने वाली चीज को हम अलग रख देते हैं साइड में। ये एक लकड़ी की स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक, इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसमें से डुबोएंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर तैर रही है, तो इसको हम अलग रख देंगे तैरने वाली। ये कांच की एक स्लाइड है, इसको हम देखते हैं कि तैरती है डूबती है। तो ये डूब गई, ठीक है, इसलिए हम इसे साइड में रख देंगे। एक लोहे की कील, इसको हम डुबाएंगे, तो लोहे की कील डूब गई, इसे हम साइड में रख देंगे। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि पानी में डुबो डुबो कर देखना है कौन सी चीज डूब जाती है, कौन सी चीज नहीं डूबती। ठीक है, अब हम एक ये एक्सपेरिमेंट एक ऊन के टुकड़े पर भी करेंगे। तो हमने एक ऊन का टुकड़ा लिया और उसे पानी में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊन का टुकड़ा है ये पानी में तैर रहा है। क्या ऊन का टुकड़ा हमेशा पानी में तैरता है, या इसे किसी तरह डुबोया जा सकता है? तो वो क्या तरीका है जिससे ये पानी में डूब जाएगा? तो हम क्या करें, इसे थोड़ा भिगो लें और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये पानी में डूब जाएगा। तो ये पानी में अभी भी तैर रहा है। ठीक है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक की चीज थी, ठीक है ना, इसे डुबने की कोशिश करते हैं। देखो ये पानी में डूब गई है। इसके बाद हमारे पास कोयले का टुकड़ा था, तो इसमें थोड़ा टुकड़ा तोड़ते हैं। तो देख आप देख सकते हैं कोयले का टुकड़ा भी पानी के ऊपर आ गया, और इसलिए हम इसे अलग रख देंगे। ये मेरे पास एक मेटल की क्लिप है, इसे कोशिश करते हैं। देखो ये भी डूब गई। तो इस तरह आप अपने आसपास जो चीजें हैं उन्हें एक मग में लेकर या ग्लास में लेकर उन्हें डुबो डुबो कर देख सकते हैं कि कौन सी चीज डूब जाती है, कौन सी नहीं। तो जो डूब जाती है उनको अलग रख दीजिए, और जो नहीं डूबती है उनको अलग रख दीजिए। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। हमने देखा कि हम चीजों का अलग अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कि वो पानी में तैरते हैं या पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, पानी पर तैरते हैं, पानी में डूब जाते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरता क्यों है और डूब क्यों जाता है? ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है या डूब गया। तो सबसे पहला स्टेप हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पानी में डूब गया, यानी कि सिंक। ठीक है ना, यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पानी में डूब गया, तो ये पहला स्टेप है हमारा कि हमने ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद हम उसका कॉज ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम कॉज ढूंढने जाते हैं तो एक शब्द सामने आता है, डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। ये होता क्या है? ठीक है, देखो डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज में, किसी चीज में आपने जो मटेरियल, आपने जो मैटर भरा है वो कितना पास पास में भरा है। ठीक है ना, अब मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 5 लोग आ जाएं,
तो बहुत दूर दूर बैठ सकते हैं, लेकिन यदि इसमें 50 लोग आ जाएं तो काफी उनके बीच में जो जगह है वो काफी कम होगी, यानी कि इस कमरे की जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, डेंसिटी को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है, डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, कि एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना, एक छोटी जगह में कितना मास है, ये ज्यादा मास होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो कोई चीज यदि पानी में डूब जाती है, ठीक है ना, किसी चीज के पानी में डूब जाना, ये क्या दिखाता है कि उस चीज की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है। ठीक है ना, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन, यानी कि ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि ये चीज ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व यानी कि उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में जो मैटर है यदि वो ज्यादा है किससे, वाटर से, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी घनत्व जब पानी से ज्यादा है तो वो चीज पानी में डूब जाएगी। यदि ऐसा नहीं है और ऐसा है, यानी कि पानी की डेंसिटी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो पानी में तैरेगी। ठीक है ना, तो तैर जाना या तैरना, ठीक है, पानी में तैरना का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है जो जो हमने डाली है पानी में वो कम है और वाटर की ज्यादा है। ठीक है, तो ये सीबीसी का साइंस है। बाकी आप पानी को कई सारे ऑब्जेक्ट्स को पानी में डूबो डूबो कर उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किस आधार पर कि कौन सी चीज पानी में डूब जाएगी और कौन सी चीज पानी के ऊपर तैरेगी। मास के आधार पर, मास मतलब उनका द्रव्यमान, यानी कि वो कितने भारी हैं। ठीक है, तो जो हल्की चीजें हैं उन्हें आप अलग कर सकते हैं और जो भारी चीजें हैं उन्हें आप अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत डे टू डे लाइफ का चैप्टर है कि आप चीजों का अलग अलग कर सकते हैं, किस आधार पर, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, और किस आधार पर आपको अलग करना है ये चीज आपको पकड़नी है। तो ये सारी चीजें थी, इसके आधार इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैंने आपको कल ये एक्टिविटी करके दिखाई थी, इसमें मैंने बताया था जो कोई भी मैटर होता है वो इन तीन अवस्थाओं में रहता है, पदार्थ इन तीन अवस्थाओं में रहता है। और हमने पानी के लिए देखा था पानी की तीन स्टेट कैसी कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में पानी आइस होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर होता है, और गैसीय स्टेट में स्टीम यानी कि भाप होता है। तो ये तीन हमने देखे थे, लेकिन अब जब पानी बर्फ है, जब पानी बर्फ के रूप में है तो उसमें ऐसा क्या खास है, तो उसे हम पढ़ते हैं। यानी कि सॉलिड सॉलिड में क्या खास होता है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनका उनकी एक निश्चित शेप होती है, निश्चित आकृति होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोयले का जो टुकड़ा है ये ठोस है, ठोस मतलब सॉलिड है। ठीक है ना, इसकी एक निश्चित आकृति है, ये बेलनाकार है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, इसकी एक निश्चित आकृति है, ये बदल नहीं सकती जब तक आप इसे तोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, अब इसे हवा में उछाल लीजिए ये ऐसा ही रहेगा, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट हार्ड है और इसीलिए कंप्रेस नहीं हो सकता, कंप्रेस का मतलब दबाया नहीं जा सकता। तो जो भी चीज हार्ड होती है वो इनकम्प्रेसिबल होती है, यानी कि दबाई नहीं जा सकती, इन कंप्रेसिबल, ठीक है, दबाई नहीं जा सकती। देयर पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोई भी चीज मैटर से मिलकर बनी, कोई भी चीज मैटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, और ये जो मैटर होते हैं ये मैटर किससे बने होते हैं, ठीक है, तो हर एक चीज पदार्थ से बनी होती है यानी मैटर से बनी होती है, और मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल्स से। ठीक है ना, यानी कि इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे ये डॉट 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 डॉट, इस तरह के बहुत छोटे 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 बिंदु होते हैं जिनसे ये पूरी चीज मिलकर बनी होती है। ठीक
वैसे इसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं जिनसे हर एक चीज मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, पास पास होने की वजह से ये चुपके रहते हैं। अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में उनका वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम मतलब उनका घनत्व, सॉरी उनका जो उनका वॉल्यूम सेम होता है लिक्विड स्टेट में, और वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे ग्लास को पानी को समय ग्लास में रखा गया है तो पानी कोई अलग शेप नहीं है, पानी की जो शेप है अंदर वो ग्लास की ही तरह है, ठीक है। इसी तरह जब आप पानी को बोतल में भरते हैं किसी भी तरह की बोतल में तो उसी का आकार ले लेते हैं। गैसेज स्टेट में जो गैसेज स्टेट होती है इसमें जो मैटर होता है, जो मैटर गैसेज स्टेट में होते हैं उनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल मतलब वो आसानी से दबाए जा सकते हैं, ठीक है। उनके पार्टिकल्स काफी लूजली पैक्ड, काफी ढीले ढीले पैक्ड होते हैं, इसलिए वो दूर दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती का धुआं काफी दूर तक फैल जाता है, लेकिन यदि ये कोयले का टुकड़ा यहाँ रखा रहे तो यहीं का यहीं रखा रहेगा, ये फैलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी पैक्ड हैं। लेकिन जो गैसेज स्टेट के यानी कि किसी भी मैटर जो कि गैसेज स्टेट में है उसके पार्टिकल्स काफी लूजली पैक्ड होते हैं। तो आप किस तरह से इस कंप्रेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, यानी कि कितना दबाव हम किसी स्टेट और मैटर पे लगा सकते हैं, सॉलिड कितने दब सकते हैं, लिक्विड कितने दब सकते हैं, गैस कितनी दब सकती है, तो इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, आप एक सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं जो मैं आपको लिख के दूंगा, उसको करके आप पहले आपको बता देता हूँ। तो ये आप एक सिरिंज ले सकते हैं, 20 ml की सिरिंज है, ठीक है। इसमें आप कोई पहले सॉलिड चीज बन लीजिए, जैसे इसमें आप चीनी या बुरा बन लीजिए आधा, फिर उसको याद रखकर दबाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जितना दब जाता है आप उतना देख लीजिए, उतना नोट कर लीजिए कितना दब गया, फिर इसके अंदर थोड़ा उतना ही पानी, उससे चीनी को निकाल कर उतना ही पानी भरकर दबाने की कोशिश कीजिए। आगे उंगली लगा लीजिएगा जरूर, ठीक है ना, जब चीनी दबाएं तो आगे ऐसे करके उंगली लगा लीजिएगा, इस तरह जब आप पानी भरकर इसमें दबाएं तो इस तरह से आप उंगली लगा लीजिएगा। तो मैं पानी वाला आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ तक इसे, ठीक है, फिर आप इसे उल्टा करके इस तरह से कर लीजिए, पूरा ऊपर तक ले आइए और फिर आप इसे दबाने की कोशिश कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत दब जाएगा, ठीक है ना। जहाँ सॉलिड बिल्कुल नहीं दबते लिक्विड थोड़ा बहुत दब सकता है, और इसी तरह आप उसमें कोई भी अगरबत्ती के धुएं इसे खाली करके, इसे आप बिल्कुल खाली कर लीजिए, इसमें फिर आप अगरबत्ती का धुआं भरकर सेम इसे दबा के देख सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आपको लिख के दे दूंगा, इसे आप घर की चीजों से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इस चैप्टर का आधा पार्ट पूरा हुआ, इससे आपको रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसे घर पर जरूर करके देखिए। पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है, आपकी बुक में हेडिंग दे रखी है मैटर, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ होता है वो कुछ भी जो स्पेस घेरता है, यानी जगह घेरता है और इसमें कुछ वजन होता है, कुछ मास होता है, मास मतलब उसमें कितना, उसके अंदर कितना मैटर है, ठीक है ना। अब जैसे आप देख सकते हैं ये डस्टर है, तो डस्टर का कुछ ना कुछ वजन है, ठीक है ना। ये वजन किस पे निर्भर करता है, ये इसके अंदर लकड़ी, कितनी लकड़ी है, ठीक है ना। लकड़ी है क्या है, एक मटीरियल है। तो मैटर क्या होता है, मैटर वो कुछ भी जो जगह घेरता है जिसमें मास होता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अब मैटर की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे शरीर की अवस्थाएं होती हैं, हम बचपन में छोटे होते हैं, फिर यौवन, हमारे यौवन आता है यानी कि युवा होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव और गैस, ठीक है। अब आपने बहुत बार इन तीनों को देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल
आप ये बिस्लरी की बोतल देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो इसके अंदर आप कुछ भी आपको कुछ इसके अंदर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये पानी है। तो पानी हिल रहा है, ठीक है। अभी पानी इस मैटर है क्योंकि ये जगह घेर रहा है इसके अंदर, इसमें वजन भी है, लेकिन पानी जो है, जो मैटर है, ये इन तीनों में से किस अवस्था में है? ये इस समय द्रव अवस्था में है। द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है। इसकी मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, पहले हम पहचानना सीखें, ठीक है। अब सॉलिड अवस्था में क्या है, ठीक है ना। अब ये जो पानी है, ये सॉलिड अवस्था में भी जा सकता है, यानी कि ठोस अवस्था में जा सकता है, सॉलिड स्टेट में जा सकता है, और यही पानी गैसेस स्टेट में भी जा सकता है। तो आपने आपके घरों में बर्फ होगी, तो उस बर्फ को जो आप केतली में रख के गर्म करते हैं, तो पहले उसका पानी बनता है, पानी से फिर वो भाप बनती है उसकी, उसी को हम करके देखेंगे। और हम देखेंगे कि एक ही पदार्थ क्या है, पानी, उसकी तीन अलग अलग अवस्थाएं किस तरह से एक इंटरचेंज होती है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पानी के केस में, वाटर के केस में, हम किस तरह से अलग अलग अवस्थाओं, जो ब्लैकबोर्ड पर लिखी हुई है, ठोस द्रव और गैस, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस को पहचानेंगे। तो ये मेरे पास बर्फ है, ठीक है ना, ये बर्फ का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। तो ये पानी था, ये फ्रिज में रखने से पहले पानी था, इसे काफी ठंडा किया गया और ठंडा करने के बाद ये बर्फ बन गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस बर्फ को तोड़कर थोड़ा सा इस बीकर में डालेंगे और इसे थोड़ा सा नीचे से गर्म करेंगे। तो इसे थोड़ा तोड़ते हैं, इसे डाल रहा हूँ। अब ये जो इसके अंदर बर्फ है, ठीक है ना, यदि हम इसे रखे रहने देंगे तो धीरे 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 बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, एक तो इसके बारे में आपको सोचना है। भाई ऐसे गर्म, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो इस बीकर के अंदर बर्फ है, तो बर्फ हमने डाली इसके अंदर, तो बर्फ अभी किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, यानी कि पानी इस समय ठोस अवस्था में है। बर्फ क्या है, पानी की ठोस अवस्था, ठीक है। और जो आप इसमें तैरता हुआ देख पाएंगे थोड़े समय बाद, वो क्या है, पानी की द्रव अवस्था। और जो आपको उसमें ऊपर उठती हुई आपको भाप दिखाई देगी, वो क्या है, पानी की गैसीय अवस्था। तो थोड़ा इंतजार करते हैं। और ये नीचे से जो इसमें मैंने स्प्रिट लैम्प जलाया है, इसका काम क्या है, इसे हीट देना, यानी कि इसे गर्मी देना। गर्मी देने से, ठीक है ना, हीट देने से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो बदलती हैं, ठीक है ना। जब आप पदार्थ की किसी अवस्था को गर्म करेंगे, उसे हीट देंगे, उस अवस्था में पदार्थ को हीट देंगे, तो पदार्थ की वो अवस्था, यानी मैटर की वो स्टेट चेंज हो जाएगी, और हो सकता है दूसरे स्टेट में मैटर कन्वर्ट हो जाए। तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे और बर्फ का इंतजार करेंगे कि ये जो पानी सॉलिड स्टेट में है इस समय, ये किस स्टेट में आगे जाकर कन्वर्ट होता है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो आप धैर्य से इसे देखते रहिए। अभी भी इसके अंदर बर्फ तैर रही है। तो आप देख सकते हैं कि अब पानी काफी गर्म हो चुका है और पानी पे पानी के ऊपर से भाप भी निकलने लगी है। तो इसे मैं इसके पीछे लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए पानी पे पानी से भाप भी निकल रही है। अब ये जो निकल रहा है भाप बनकर, ये पानी का गैसियस फॉर्म है, ठीक है, ये पानी की गैसियस स्टेट है। तो इसके अंदर क्या है, बीकर के अंदर पानी की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट तो पिघल चुकी, तो पिघल के क्या बनी लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गर्म होके क्या बनी गैसियस स्टेट। तो ये पानी तीन स्टेट में रहता है, ये आपने इससे देखा। इसे आप घर पर भी दोहरा सकते हैं आराम से।